ले जी रंजीत बाबा आए हैं टीजर लेके। अच्छा, पहली दफा ऐसा लग रहा है मुझे कि टीजर लेके आए हैं। वो दिलीप सिंह पे उन्होंने कोई गाना आ रहा है या फिल्म आ रही है उनकी, चाहे है ना, उसी का टीजर है। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। वैसे तो फिल्म होनी चाहिए दिलीप सिंह पे। हाँ, पहले बनी तो थी जी, द लास्ट एम्परर। उसकी कब्र पे है। हाँ, इंग्लैंड में है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होने वाला है। और उन्होंने कोहिनूर वापस लेना जी, दिलीप सिंह के साथ इधर आया था। दिलीप सिंह तो मेरे ख्याल में 5 साल के थे जब मलका विक्टोरिया उनको इधर ले आई थी इंग्लैंड में, उनकी सारी परवरिश इधर हुई, बल्कि उनको क्रिश्चियन भी कर लिया गया था और उनकी बेगम भी यहीं की थी, उनकी शादी भी इधर हुई, बच्चे भी उनके सारे बाद में क्रिश्चियन ही थे। और प्रिंसेस बम्बा जो है वो बाद में लाहौर गई थी, तो उनकी भी अब डेथ हो गई भी है, उनकी जो बेटी थी प्रिंसेस बम्बा। तो लास्ट एम्परर जाहिर है महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनके बेटे थे, तो लेकिन उन्होंने कभी हुकूमत की नहीं, जाहिर है 5 साल की उम्र में तो उनकी माँ ने उनका साथ दिया था, लेकिन माँ को नेपाल भेज दिया गया रानी जिंदा को, और उनको इधर ले आए। और फिर मेरे ख्याल में मुलाकात भी कराई थी हमने, वो फिल्म देखी थी जो उनकी ज़िंदगी पे बनी हुई है, ब्लैक प्रिंस, सतेंद्र सरताज की। सतेंद्र सरताज ने उसमें काम किया, लेकिन अब भी बननी चाहिए और उस पर रंजीत बाबा को खुद रोल करना चाहिए भी। चले काफ़ी हद तक तो मेरे ख्याल में इस शायद वो बोलेंगे। हाँ, हाँ, इसमें भी बताएंगे। हाँ, तो गाने का तो बहुत पसंदीदा हमेशा से रहे हैं। और मेरी तो तस्वीर भी है उनके साथ उनकी जो महाराजा रणजीत सिंह की जो मड़ी है वहाँ पे गुरुद्वारा डेरा साहब में, वहाँ उनकी एक लंबी सी तस्वीर थी जिसके साथ मैंने तस्वीर खिंचवाई हुई अपनी। बहरहाल देखेंगे, हमें तो इंतज़ार रहेगा और हमारे पसंदीदा हस्ती पे ही गाना है, तो हमें तो बेस्ट ऑफ लक। ले जी, देखिए होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, दुआ में याद करें। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।